अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं, उससे अधिक दृष्टि की है। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी की हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती हैं, उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हमें कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी आश्रम में गुरुजी अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम घिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे। गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है। हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा। जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। प्रेम से कहो राधे राधे।